नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल, मैं हूं आकाश। जी हां, नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल की खास सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में, या फिर यूं कहें कि ऐसे स्थान के बारे में जहां कभी भी ताले नहीं लगाए जाते हैं। जी हां, अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा स्थान है या ऐसा कौन सा गाँव है जहां पर ताले नहीं लगाए जाते हैं। सबसे खास और अहम बात तो ये भी बता दें कि इस गाँव में कभी भी चोरी नहीं होती है। अब आप और भी ज्यादा सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा गांव है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर ना तो ताले लगाए जाते हैं ना तो चोरी होती है। आपको बता दें, हम आपको सीधे लिए चलते हैं शनि शिगनापुर में। जी हां, ऐसा माना जाता है कि शनि शिगनापुर के इस मंदिर में या फिर इस गांव में कहीं भी ताले नहीं लगाए जाते हैं। यहाँ के गांव के खुद लोग इस बात पर काफी ज्यादा विश्वास भी करते हैं कि यहाँ की रखवाली स्वयं शनि महाराज करते हैं। यहां पर आज भी लाखों की संख्या में भक्तों का तांता लगा रहता है। बाबा के दर्शन करने के लिए यहां देश के अलावा विदेश से भी सैलानी आते हैं और इस बात पर भी वो नजर डालते हैं कि आखिर ये गांव कैसा गांव है जहां ना तो आज तक चोरी हुई है, ना ही इस गांव के घरों में दरवाजे बंद होते हैं और ना ही ताले लगाए जाते हैं। तो आइए हमें सीधे आपको दिखाते हैं इस गांव से जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट। देश में सूर्यपुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं, उन्हीं में से एक प्रमुख मंदिर है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिगनापुर का शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता यह है कि यहां स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। शनि शिगनापुर शनि के सभी मंदिरों में से सबसे अलग एवं सबसे अनूठा भी है। इसका अपना एक अलग महत्व रहा है। शनि शिगनापुर में स्थित शनिदेव की काले रंग की पाषाण प्रतिमा स्वयं भू मानी जाती है। इस प्रतिमा को लेकर एक कथा प्रचलित है जिसके अनुसार यह शिला एक गरड़िय को मिली थी। शनिदेव ने उसे आदेश दिया कि इस प्रतिमा को किसी खुले परिसर में रखा जाए व इस पर तेल द्वारा अभिषेक किया जाए। प्रभु का ऐसा आदेश पाकर उसने इस प्रतिमा को यहां स्थापित किया। तब से एक चबूतरे पर शनिदेव जी का पूजन एवं तेल अभिषेक करने की परंपरा चली आ रही है। वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित शनि शिगनापुर धाम एक पवित्र तीर्थ स्थल है। शिगनापुर के इस चमत्कारी शनि मंदिर में देश विदेश से अनेक भक्त शनि की भक्ति के लिए उमड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। शनिदेव की इस दुर्लभ प्रतिमा के दर्शन प्राप्त करके शनि आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। मंदिर के बारे में अनेक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। शनिवार के दिन और प्रत्येक माह में आने वाली अमावस्या को यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। भारत के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आकर भक्तिभाव सहित शनिदेव की पूजा अर्चना करते हैं। शनि जयंती और शनिचरी अमावस्या पर विशेष प्रबंध किए जाते हैं। वहीं शिगनापुर गांव इस स्थान की खासियत ये है कि इस छोटे से गांव में आज भी किसी घर में ताला या कुंडी नहीं लगाई जाती है। इसके साथ ही लोगों को अपने कीमती सामान को किसी अलमारी या तिजोरी में भी नहीं रखा जाता। माना जाता है कि केवल शनि भगवान जब इस गांव के रक्षक हैं। लोग मानते हैं यदि कोई चोरी करता है तो वह इस गांव से आज तक कहीं भी बाहर नहीं जा पाया है, बल्कि शनि के आशीर्वाद से उसकी वहीं पर बुरा हाल हो गया है और उसके ऊपर कहर बरपता हुआ भी नजर आता है। इसी के चलते यहां आज तक कोई भी अपने घरों पर ना तो गेट लगाता है ना तो कोई ताले लगाता है। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर आने वाले लोग भी अपने वाहनों में ताला नहीं लगाते, बल्कि बिना किसी परेशानी के अपनों को सुरक्षित महसूस करते हुए भी नजर आते हैं। यहाँ का बच्चा बच्चा हो या बुजुर्ग हो या फिर कोई भी नौजवान या फिर क्यों ना महिलाएं ही हो कि घरों में ना वो ताले लगाती हैं ना ही कोई चोरी करता है। अगर कोई गलती से चोरी करने की कोशिश करता भी है तो उसको शनिदेव ऐसा कहर बरपाते हैं कि उसको जीवन भर परेशानी का सामना फिर करना पड़ता है और इसी के चलते आज तक इस गांव में किसी ने ताले नहीं लगाए हैं। बल्कि यहां के लोगों की मान्यता तो ये भी है कि यहां शनिदेव खुद पहरा देते हैं और इस गांव के लोगों की रक्षा करते हैं। खुद गांव के लोग इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करते हैं और इस बात को मानने के लिए तैयार भी हो जाते हैं कि यहाँ
कभी भी चोरी नहीं होती है। आप कोई भी कीमती सामान, कोई भी वाहन या कोई भी अपना ऐसा महत्वपूर्ण सामान कहीं भी रख सकते हैं, बल्कि इसकी चोरी नहीं होती है। बल्कि इसको ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ बाहर से आए लोग यानी कि गांव वालों के खुद रिश्तेदार भी इस चीज पर काफी ज्यादा विश्वास करते हैं और अपनी चीजों को यहाँ पर खुले आसमान के नीचे रख दिया जाता है। यहाँ की मान्यता यह है कि यहाँ पर खुद भगवान शनि की प्रतिमा भी न किसी गुम्बद के नीचे बल्कि खुले आसमान के नीचे विराजित है। तो स्वयं यहाँ पर शनि महाराज गांव वालों की रक्षा करते हैं या फिर यूं कहें कि गांव वालों का पहरा देते हुए नजर आते हैं और इसी के चलते गांव वाले यहाँ किसी भी चिंता में अपने गांव को लेकर, अपने घर को लेकर या अपनी किसी भी चीज को लेकर चिंतित नहीं रहते हैं। तो दर्शकों, आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए और बने रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल के साथ। नमस्कार।